हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वाला लेसन तो आपने जरूर देखा होगा, उसमें मैंने आपको टीथ और माउथ के बारे में बताया था कैसे कंट्रोल करना है। बट आप जब भी माउथ को कंट्रोल करोगे, फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको परेशान करेंगे। बट ऐसे वर्ड्स के लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड होता है जिससे आप उस वर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। वर्ड आपको परेशान कैसे करेंगे, जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपके लिप्स हिल सकते हैं या फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास अल्टरनेटिव वर्ड्स है जिससे आप यूज करके आराम से लोगों को सुना सकते हो वेंट्रिलोक्विज्म। सो गाइस, रेडी रहिए आगे के लेसन के लिए। हर एक लेसन में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और उसका अल्टरनेटिव लेटर बताऊंगा। सो पहला लेटर यह है ब। जब भी आप ब इस्तेमाल करते हो या फिर ब वर्ड प्रोनाउंस करते हो, तो आपको दिखाई देगा कि ब ब लिप्स को टकरा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ब वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड है ड। ड यानी डॉक्टर, ड यानी डोंकी, ड यानी डाक। ड ब की जगह ड यूज करना है आपको। ऐसे फाइव लेटर्स है जो आपको परेशान करेंगे। मैं आगे बताते चला जाऊंगा आपको कि वो लेटर्स कौन से हैं और उस लेटर्स को अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं। तो ड को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक लाइन लेनी होगी जिसमें ब का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा। जैसे मेरे पास एक लाइन है, बबन बाहर बैठकर बंदर को देख रहा है। बबन बाहर बैठकर बंदर को देख रहा है। गाइज, ये जो लाइन है इसका कोई मीनिंग नहीं है या फिर कोई मतलब भी नहीं निकलता। बट इस लाइन में ज्यादा ब के उच्चार है, इसलिए मैंने इस लाइन का इस्तेमाल किया है। तो गाइज, इसी लाइन को रिपीट करते रहिए। गगन बाहर बैठकर बंदर को देख रहा है। समझे आप, इस तरह से आपको ब का ड में इस्तेमाल करना है। जब भी ये लाइंस या फिर जो भी कन्वर्सेशन हो आपका, वो फास्ट फास्ट बोलोगे आप, ये ड का ब प्रोनाउंसिएशन सामने आएगा। तो इससे आपको आसानी मिलेगी और आपके लिप्स भी नहीं हिलेंगे। सो गाइज, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी आपको ब रिलेटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, उस सभी का प्रैक्टिस करते रहिए। आखिरकार ये सब चीज प्रैक्टिस से ही बनती है, जैसे मैंने लेसन नंबर 1 में कहा था। तो इसे प्रैक्टिस करिए, मैं नेक्स्ट वर्ड लेके आऊंगा नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे लेसन देखते रहिए, आगे लेसन आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।